हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब कि अगर कोई सर्कल है उसके एंड ऑफ डायमीटर से हम दो लाइंस, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो ये प्रूफ करना है, उससे पहले हम इस चीज को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके समझते हैं, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन से हमारी मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। तो जस्ट सपोज दिस इज सेंटर ओ एंड दिस इज डायमीटर ए एंड बी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं इसके एंड पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करनी है भाई। दिस ठीक है, तो और इसका नाम भी देना पड़ेगा। दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड एस, ठीक है। तो आई होप ये फिगर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा कि हमें इन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड PQ and RS are two tangents drawn at the end of ठीक है। तो हमने क्या किया, एक AB डायमीटर ले लिया, ठीक है, और PQRS क्या है, दो टेंजेंट्स हैं, PQRS दो टेंजेंट्स हैं, और कहां से, डायमीटर के एंड पे जो कि ड्रॉ की गई है। तो हमें कुछ चीजें पता है क्या, कि जो रेडियस है और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, रेडियस टेंजेंट में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो इस चीज को हम यहां पर लिखते हैं, वी नो दैट रेडियस रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। और ऑफ कोर्स ये बात, अगर परपेंडिकुलर है दैट मीन इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ ए क्यू या क्यू ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली आप सेकेंड साइड, मतलब जो दूसरी लाइन है ओ ए, ओ बी परपेंडिकुलर ऑन आर एस, सो ये क्यू है, ये भी लिख देंगे हम, क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली एंगल आर बी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल एस एस बी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स क्यों है, क्योंकि ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन आर एस, ठीक है। आर एस पे ओ बी परपेंडिकुलर है, सो दैट इनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारे पास एक चीज हमें प्रूफ करनी जो होती है वो क्या होती है, कि
ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो इससे क्या होगा, दैट मीन ये दोनों लाइंस तब पैरेलल होगी। तो क्या हम देखते हैं ये जो एंगल है ना, यहां से आप देख रहे हैं कि चारों एंगल एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल एस बी ओ एंड एंगल, और कौन सा एंगल, क्यू ए ओ इक्वल्स टू एंगल आर बी ओ, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो हम लिख देंगे हेंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। इसलिए पी क्यू क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आर एस पे। तो ये थी इसकी प्रूविंग। इसकी प्रूविंग के लिए हमने क्या किया, जस्ट हमने एक डायमीटर लिया और उस पर परपेंडिकुलर किया, और जो चीजें हमें पहले से थ्योरम के थ्रू या कुछ केसेस के थ्रू पता थी, जैसे कि रेडियस जो होती है वो हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये चीज हमने यूज की और इसको प्रूफ किया। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, जस्ट सपोज कि अगर एक ये सर्कल है हमारा, ठीक, और इसकी ये क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, हमने लेट कर लिया पी, ठीक। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जहां पे हमारे सर्कल को टेंजेंट टच कर रही है, वहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो सर्कल का सेंटर है उससे पास होके जाएगी। ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, तो भाई ये तो गंभीर सा विचार है, कैसे होगा, क्यों, ये रेडियस तो हो जाएगी, ये हमें पता है, क्या कहते हो। अगर सेंटर ये क्या है, ये सेंटर है ओ, और इस पे परपेंडिकुलर हम अगर खींचते हैं, ठीक है, तो वो पास होगी, और पास होगी तभी हम उसको रेडियस बोलेंगे। दोनों चीजें रेडियस को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको प्रूफ करना है हमें, है ना। तो हमने किया लेट ड्रॉ ए टेंजेंट विद सर्कल सेंटर ओ एंड एट पी पॉइंट, फाइन। तो एक हमने टेंजेंट ड्रॉ की जो कि पी पॉइंट पे क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एक लाइन ड्रॉ करने की, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। लेट ड्रॉ लाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर विच
कैन नॉट पासिस फॉर द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक लाइन हमें ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास ना हो रही हो, और लेट ड्रॉ अ लाइन अ परपेंडिकुलर विच पासेस थ्रू द सर्कल। ठीक है, तो एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या थी, पास नहीं कर रही थी, वो पास हो रही थी ओ डैश से। ठीक है, और एक लाइन हमने ड्रॉ की ठीक, तो जो इन दोनों की कंडीशन होगी मींस एंगल ओ पी एंड यहां पे हम जो सपोज कर लेते हैं क्यू। ठीक है, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो एंगल ओ पी क्यू क्या होगा, ओ पी क्यू आपका 90 डिग्री होगा, और एंगल ओ डैश पी क्यू भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। भाई अगर दोनों चीजें परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, हमने बोला परपेंडिकुलर है भाई, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ना कि सेंटर से पास हो, और एक ये हो सकती है कि सेंटर से पास ना हो। तो सेंटर से पास नहीं होगी तो परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री। हमने बोला कि नहीं हो रही तो भी परपेंडिकुलर होगी, तो 90 डिग्री, और इस पर भी 90 डिग्री। तो यहां से अगर कंडीशन बोले, ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी हो गई सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे जो एंगल ओ पी क्यू है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एंगल ओ डैश पी क्यू के। क्या कहते हो भाई, 90-90 इक्वल हो जाएंगे, बट हमें यहां पे कुछ क्लियर चीजें दिख रही हैं कि अगर OPQ 90 है तो O डैश PQ तो बिल्कुल भी 90 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इससे क्या है, लेस देन है। सो O डैश PQ इज लेस देन OPQ फ्रॉम दी फिगर। फिगर से हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये जो चीज है ये लेस देन है, बट ठीक है, तो ये तो 90 नहीं होगा, 90 नहीं होगा तो ये होगा, दैट मीन जो हमारी टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन है, टेंजेंट सॉरी when we draw perpendicular on when we draw perpendicular from tangent to अलग ही कहानी लिख दे रहा हूं मैं, सॉरी, कोई नहीं। तो यहां पे क्या है, when we draw perpendicular from point of contact it passes through the
सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये चीज हमें यहां से ही प्रूफ करनी है और इसमें कोई भी ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ये हम जब बाय इमेज समझते हैं, क्योंकि कॉमन सी चीज है कि अगर 90 डिग्री है ठीक है तो किसी और पॉइंट से पास होगी, अगर ये 90 है तो जो दूसरा पॉइंट होगा तो उस पे 90 नहीं होगी ठीक है, या इससे बड़ा होगा तो भी 90 नहीं होगी। तो 90 का मतलब वो सेंटर से ही पास होगा। ये चीज हमें बताई भी गई है कि जो रेडियस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। और अब कहीं पे भी आप कोई सर्कल बना लो और उसको किसी भी पॉइंट पे कुछ इस तरह से कर लो ठीक है, अब यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो तो 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो वो हो जाएगी ना रेडियस के साथ, तो उसका परपेंडिकुलर का मतलब ही है कि वो कहां से पास होगी, सेंटर से। किसी भी पॉइंट पे, मैं कह रहा हूँ सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप क्या करो, होल्ड करके आप वो कर लो, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो क्या होगा ये आपका पास होगा कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो ये चीज प्रूफ करनी थी, ऑलरेडी ये चीजें प्रूव्ड है ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कैसे इस चीज की प्रूविंग हुई इस वजह से। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलिए इसे भी करते हैं, दिस इज अ सर्कल, क्वेश्चन है एक टेंजेंट है, बहुत डिस्टेंस पे हो गई है, दिस इज पॉइंट टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ओके दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर एंड कह रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वहां से इसकी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब इस सर्कल की रेडियस आपको बतानी है ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेडियस को ज्वाइन करूंगा कुछ इस तरीके से, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ही तो रेडियस जा रही है, दैट मीन ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री से समझ में आता है कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ठीक है। तो यहां पे क्या करना है हमें, सीधे और डायरेक्टली क्या पुट करना है, क्या यूज करना है, अब जैसे सपोज कि हमें यहाँ पे सेंटर ओ है, सो ओ ए फाइंड करनी है ठीक है, तो यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया by using Pythagoras theorem, तो OB square equals to AB square plus AO square, fine। तो OB की जो लेंथ है हमारे पास, OB गिवन है 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AB स्क्वायर 5 सेंटीमीटर प्लस AO का स्क्वायर ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 4, 5 मीन्स 4 का 16 ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा 25, यूनिट हम बाद में लगा लेंगे, इक्वल्स टू
ए ओ स्क्वायर, सो यहां से 9 इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर और ए ओ इक्वल्स टू 3। मतलब अगर हम यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, प्लस 3 और माइनस 3, बट डिस्टेंस माइनस 3 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव 3। तो जो हमारी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हमें दो सर्कल बनाने हैं और सेम सेंटर से बनाने हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे और इसका ये सेंटर होगा। ठीक है, तो अब जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियाई आपकी 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल की छोटी। तो ये कह रहे हैं कि जो बिगर सर्कल की कॉर्ड है, ये कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए, और ये कॉर्ड जो है टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब आपको इसकी लेंथ बतानी है। जो सपोज की दिस इज ए बी, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, तो ये जो रेडियस है इसकी ये है 3 सेंटीमीटर, फाइन। और यहां से आप ध्यान से देखोगे ये जो रेडियस, ये जो रेडियस है ये 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 वाली, ये रेडियस किसकी है, बिगर सर्कल की, मीन्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने बोला कि अब जस्ट सपोज कि ये पॉइंट पी है और ये हमारा ओ फिगर है। ठीक है, तो इसमें आप पहले अगर ए पी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो सेम वही चीज सिमिलरली इस साइड है, मीन्स हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ये अगर फाइंड कर लें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर बता सकते हैं। तो चलिए भाई, तो गिवन हमारे पास क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद रेडियाई 3 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो स्मॉलर है उसकी 3 और बिगर की 5। हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है, कॉर्ड की लेंथ बतानी है, सो हमने लेट कर लिया, लेट द ए बी इज द कॉर्ड। ठीक है, और यही हमें फाइंड भी करना है। तो चलिए भाई हम यूज करते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए पी ओ या ए ओ पी, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगेन, सॉरी एओ मींस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे और एपी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओपी। ठीक है, तो यहां से वैल्यूज हम पुट करते हैं, एओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर,
और स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस आ जाएगी माइनस एपी, एपी ही हमें फाइंड करना है, तो माइनस हम ओपी ले लेते हैं, ओपी की है 3 सेंटीमीटर और दिस इज इक्वल्स टू एपी, फाइन। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस और ये हमारी 9 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। तो यहां से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर एंड एपी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने बोला था 2 से डिवाइड मतलब 4 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एबी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।